हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आपको मेरे फेस से ही देख के पता चल रहा होगा मैं बिल्कुल ज़्यादा खुश नहीं हूँ, क्योंकि लास्ट एक वीक से ब्लैक फ्राइडे वीक चल रहा है एंड मैं कुछ ऐसी चीज़ें देख रही हूँ यूट्यूब पे जिससे मेरा हो चुका है दिमाग ख़राब। मैं पक चुकी हूँ लिटरली अब ये चीज़ देख देख के, एंड आप लोग सोच रहे होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। सो ये है उन लोगों के लिए जो एक गलत चीज़ मार्केट में फैला रहे हैं कि $0 पे आईफोन मिलता है। भाई तुम कहाँ से ला रहे हो ये कंटेंट? कौन है ऐसा $0 पे आईफोन दे रहा है? मुझे भी बताओ, मुझे भी ख़रीदना है। मतलब इतना गंद मचा रखा है कि लोगों को इतनी गलत गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ये लोग कि फ्री में आईफोन मिलता है। एंड जो लोग इंडिया से देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स इंडिया से देख रहे हैं, उनके दिमाग पे क्या असर पड़ता होगा ये देख के कि भाई कनाडा में तो फ्री में सब मिलता है। अब एप्पल वाले पागल थोड़े हैं जो फ्री में आईफोन बांटेंगे। अभी उनकी कंपनी इतनी भी डाउन नहीं गई है कि जो वो फ्री में लोगों को आईफोन बांटेंगे। एंड अगर फ्री में आईफोन बट भी रहे होते तो सारी दुनिया कनाडा ही ना आ जाती, इंडिया छोड़ के या कहीं पर US छोड़ के, लंदन छोड़ के सब कनाडा आ जाओ भाई, सब धंधा करो, आईफोन बेचो, $0 में मिल रहा है, खरीदो और बेचो। मतलब मेरा आज, मतलब मैं सीरियसली आप लोग को बता रही हूँ, एक हफ्ते से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि ब्लैक फ्राइडे की वजह से जॉब्स वगैरह काफ़ी हम लोग को करनी पड़ रही थी और पूरा पूरा दिन जॉब पे निकल जाता था। बट मैं जैसे तैसे मैंने सोचा आज तो मुझे ये वीडियो बनाना है क्योंकि अब मैं नहीं सहन कर सकती है। मेरा दिमाग सीरियसली आज इतना ख़राब है, मैं अभी सर दुखने की गोली लेके आई हूँ। मुझे थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है तो इसलिए मैंने सर दुखने की दवाई भी ली। बट ये बात से मैं इतनी ज़्यादा इरिटेट हो चुकी हूँ कि मैं आप लोग को क्या बताऊँ, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। ये सब फ्रॉड है, फ्रॉड मचा रखा है। कोई कंपनी, कोई भी अगर यहाँ पे आईफोन बेच रहा है तो कोई, आप ये बात सोचो कि कोई अपना लॉस करके बेचेगा आईफोन? या आप एक पॉइंट सोचो, आप भी धंधा कर रहे हो अगर इंडिया में या कहीं पे भी, तो आप कोई चीज़ बेच रहे हो तो आप उसमें लॉस खा के बेचोगे कस्टमर को? थोड़ा तो प्रॉफिट आप भी कमाओगे ना? तो पता नहीं ये क्यों, अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, पर ये क्यों ये कम्युनिटी इतना बिगाड़ रही है ये चीज़ को, मुझे ये नहीं समझ आ रहा सीरियसली। अगर मैं अब मैं आपको आगे वीडियो में समझाने भी वाली हूँ कि ये कैसे वर्क करता है ये प्रोसेस आईफोन का। एंड जो बच्चे यहाँ आके ये सोचते हैं जी फ्री में आईफोन मिल रहा है, उनको प्लीज़ बुद्धि अपनी दौड़ाओ थोड़ी। ऐसा कुछ नहीं होता, कि आगे वीडियो में समझो एंड थोड़ा दिमाग लगाओ और अपने पैसे सेव करो, फीस वीस निकाल लो, क्योंकि फिर मम्मी पापा से मंगाने की नौबत आ जाएगी अगर यही करते रह गए तो, ये सबको देख देख के। सो आगे चलते वीडियो में एंड आप लोग को बताती हूँ कैसे क्या होता है। क्वेश्चन लाइक हाउ डज दिस $0 थिंग वर्क्स? व्हाट डू यू मीन लाइक पीपल लाइक ऑलवेज से दैट गेट योर आईफोन एट $0, व्हाट्स दैट? $0 मंथली, व्हाट्स दैट? Can you see there? Yeah. For Samsung S23 and minimum plan for it. The plan's gonna be high. Okay, so can you explain me that? That's like for company. No. I'm talking okay, about which freedom. One are you talking about? iPhone. There's if no I go... iPhone for $0. iPhone 13? Yeah. $0. We don't have it in stock currently, but how it works is on a $45 plan, $0. After 2 years, you have a choice to make: either bring back the phone to us, like return it, or you can buy it out. Okay, so we'll have to pay money after 2 years. After 2 years, if you want to keep it, otherwise you just return it and you can go for another $0. Okay, and for that 2 years, I will just have to pay the 45 for the plan. Yeah. Okay, nothing for the phone. Okay. And what about if I go for 15 Pro Max? 15 Pro Max is 89. 89, including like the plan. Including the phone is 39 and the plan is 50. Okay. Same thing. So you either return it after 2 years or you buy it out. Okay, so I'll have to pay 89 for monthly. Yeah. And with I get freedom SIM card, right? Freedom SIM card, yeah. Okay, so currently I have like my SIM card is with freedom only. So I'm planning to buy 15 Pro Max. Like I was confused. I was seeing these offers like zero. How? Yeah. I was so confused. So, iPhone 13 is very old. It's old, right? Like, but if, what if somebody wants to go with like 15 Pro Max? And I've heard people saying that you get 15 Pro Max at $0. Never, right? Only on a $100 plan, maybe. Yeah.
Okay. Yeah. Thank you so much. So Canada, जो लोग रहते हैं या जो लोग अभी आने वाले हैं उन लोग को मैं बताती हूँ. Canada में अलग अलग type के SIM cards होते हैं. जैसे हम India में Vodafone, Idea, then अपना Jio ये सब use करते हैं, वैसे ही Canada में होता है Rogers, Fido, Kudo, Telus and और भी दो तीन brands होते हैं. ठीक है, तो वो प्लान हम लोग को ख़रीदना होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी पे कर रही हूँ, मेरा है फ्रीडम का सिम एंड मैं करती हूँ पे $45 पर मंथ और मुझे मिलता है 40 GB उस पर मंथ. ये मैं पर मंथ का बता रही हूँ, इतना मुझे मिलता है. तो ये सीन क्या रहता है गाइज, आप जब जब यहाँ नया कनाडा में आते हो तो ये लोग आप लोग को ऐसा बोलते हैं कि अगर आप ये अपना प्लान ख़रीदोगे तो अगर आपका $45 का प्लान है तो आप डाउन पेमेंट पे एक आईफोन भी ले सकते हो. अगर आपका, देखो आप सिम कार्ड के लिए अपना सिम लेने जा रहे हो, आपने प्लान ख़रीदा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप $45 का अपना प्लान ले रहे हो तो डाउन पेमेंट आईफोन की अराउंड $50 और वो लोग लेंगे पर मंथ, और ये आपको करीबन 2 साल या 3 साल तक भरना पड़ेगा. तो इसका मतलब हुआ आपको मंथली हर महीने $120-130 भरने पड़ेंगे अपने फ़ोन के भी और अपने प्लान के भी. तो मुझे ज़रा जो ये लोग जो लोग बोल रहे हैं, अगर वो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं एंड अगर किसी को मेरी बात गलत लग रही है तो ज़रा मेहरबानी करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कहाँ से आप लोग को $0 में आईफोन मिल रहा है, कहाँ से आप लोग को फ्री में आईफोन मिल रहा है. लाइक मैंने 2-3 लोगों से बात भी की इस बारे में, तो वो लोग जब समझाते हैं ना तो वो इस तरह से समझाते हैं कि वो अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं. पहले तो वो बोलते हैं कि हम $0 पे आईफोन दिलवा रहे हैं, बट आप उनकी बात सुनोगे ना तो आपको पता चल जाएगा भाई ये तो अपनी बात पे भी नहीं रह रहा है. तो मतलब यार क्यों मतलब कैसे कर लेते हो. शायद आप लोग को मैंने ये जो समझाया उससे पता चल गया हो कि कैसे ये सिस्टम वर्क करता है. एंड इंडिया में भी या जो भी जिनको लग रहा है यहाँ पे फ्री में सब मिलता है, या हमारे डॉलर के पेड़ नहीं उग रहे जो हम फ्री में आईफोन लेके आएंगे या कुछ भी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता. ये तो ये हर जो भी सिम कार्ड वाली कंपनीज होती है उन लोग के अलग अलग प्लान रहते हैं, वो आपको देखना पड़ता है. एंड मैं तो यही कहूँगी, अगर आपका अच्छा वाला फ़ोन है तो ये सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि फालतू में आप एक तो स्टूडेंट हो, आप कमाते मुश्किल से $1200-1300 हो, उसमें से आधा रेंट ले जाता है, आधा ग्रोसरी ले जाती है, फिर आप यूटिलिटीज भी दे देते हो. तो जो चीज़ सिर्फ $50 के अंदर ख़त्म हो जानी चाहिए उसको हम क्यों $100-150 तक ले जाते हैं, मेरे को ये समझ नहीं आता. इतना तो क्या आईफोन का दिखावा करना होता है सबको, इतना क्या लोगों को बताना है. भाई पैसे तो खुद की जेब से जा रहे हैं, खुद का सोचो, खुद की फ़ीस भरनी है वो सोचो ना, कि लोगों का YouTube पे वीडियो देख लिया भाई $0 पे फ़ोन मिल रहा है, ये कैसे हो रहा है. बकवास है गाइस, बकवास. मतलब मेरे को हंसी भी आती है एक साइड और एक साइड इतना गुस्सा आता है, मतलब क्या करूँ, एक एक का जाके गला दबा दूँ ऐसा मन करता है. सो आई होप आपको पता चला हो ऐसा नहीं होता, ये सब स्कैम है. कैनेडा में भी आपको पैसे भरने पड़ते हैं. हाँ इंडिया से थोड़ा सस्ता मिल जाता है, बट ऑफकोर्स आपको डाउन पेमेंट भरनी तो पड़ेगी, आज नहीं तो कल. सो समझो थोड़ा एंड अपना दिमाग चलाओ, लोगों से मिलो, लोगों से जो ये बेचते हैं उनकी बातें सुनो, आपको खुद पता चल जाएगा. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. मेरे को मालूम है बहुत लोग इसमें नेगेटिव कमेंट करने वाले हैं एंड मैं रेडी हूँ ये सब सुनने के लिए. मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जिसको जो बोलना है बोले, अच्छे लोग अच्छे कमेंट करो बढ़िया है, नेगेटिव लोग नेगेटिव भी करेंगे, मुझे कोई पड़ी नहीं है, करो जो करना है. बट आई होप आपको बात समझ आ गई हो मेरी. मेरा वही पॉइंट है कि ये जो थंबनेल्स देखते हैं आप लोग, ये सिर्फ थंबनेल्स इसलिए डालते हैं मे बी व्यूज़ के लिए, आई डोंट नो. एंड या तो उनको सच में मिल रहा है आईफोन, पता नहीं उनके कौन से सोर्सेज है ऐसे जो इनको फ्री में आईफोन दे रहे. भाई मुझे भी बता दो, मैंने तो पूरा बिजनेस सोच लिया है कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ इससे. तो अगर कोई भी महाराज या महारानी मुझे बता दे कमेंट सेक्शन में आके कि ये कैसे वर्क करता है, एंड अगर आपके कोई भी थॉट्स हो इस बारे में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर करना. और जिसका थॉट मुझे सबसे अच्छा लगेगा ना, मैं उसके थॉट पे लेके अगली वीडियो में उसको लेके आऊँगी, भले ही वो इंडिया में बैठा हो, मैं जूम कॉल करके पूरा वीडियो रिकॉर्ड करूँगी अगर किसी ने मुझे समझा दिया ये प्रोसेस.
तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, एंड मैं वेट कर रही हूँ ऐसे कोई कमेंट का. लाइफ में मुझे मज़ा चाहिए, अब मैं रेडी हूँ. आए कोई मतलब लिखे मुझे, कोई समझाए, फ्री में आईफोन मिल रहा है, फिर मज़ा आएगा. देखते हैं अगले वीडियो में क्या होता है. हो जाए भाई, मिल जाए, मेरा बिजनेस प्लान भी सक्सेसफुल हो जाएगा. तो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो. लाइक करो, कमेंट करो अगर कोई भी डाउट है, एंड $0 वाले भी कमेंट करो, एंड सब्सक्राइब भी करना मेरे चैनल को. मिलते हैं अब अगले वीडियो में. बाय फॉर नाउ.